हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं हुंडई N9 के बारे में, जो कि 2023 में इसका रिवाइज्ड वर्जन है, यानी आप कह सकते हो फेस लिफ्टेड वर्जन है। इस स्टूडियो में बात करेंगे कि i20 N9 किस इंजन के साथ आती है, क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं पिछले मॉडल से, कैसा एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है, और N9 की क्या इंपॉर्टेंस है एक रेगुलर i20 से, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिलती है आपको, उसकी पूरी बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू अद्वैत हुंडई जिन्होंने मेरे को मौका दिया कार कवर करने का, और आपको शोरूम की पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डू विजिट द शोरूम, अपनी टेस्ट ड्राइव बुक करो और ज़रूर से ये गाड़ी देखने आओ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए के स्टार्ट करते हैं प्राइस के बारे में इस गाड़ी की। तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है N9 का, ये N9 मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, और जो इसका प्राइस आता है वो 11,21,900 रुपीज़ एक्स शोरूम बैंगलोर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए चाबी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कीज़ में आपको टिपिकल हुंडई की आती है, जिसमें आपको 3 कंट्रोल मिलते हैं, लॉक अनलॉक और होल्ड का ऑप्शन मिलता है, इससे बूट खुल जाता है। और आगे की बात करते हैं गाड़ी की। चलिए इससे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में बीच में आपको हुंडई का बड़ा सा लोगो मिल जाता है, यहाँ पे स्पेशली N9 की ब्रांडिंग आती है, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक N9 है। और रेड इंसर्ट्स आपको बम्पर में देखने को मिल जाते हैं, आप देखो वहाँ पे स्टॉक i20 खड़ी है, वहाँ पे कोई भी रेड इंसर्ट्स नहीं आते हैं, और इसमें आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बाकी सारी चीज़ें तो स्टैंडर्ड ही आती है, कोई भी ऐसा अलग चीज़ें आपको फ्रंट में देखने को नहीं मिलेगी। पहली बात कर लेते हैं हेडलैम्प्स की। हेडलैम्प्स की बात अगर हम करते हैं तो हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे DRLs देखने को मिल जाता है, जो जलते हुए आपको दिखा दूंगा यहाँ पे मैं। यहाँ पे आपको ट्राई बीम में LED सेटअप मिल जाता है, और इधर की बात करें तो हैलोजन में इसके इंडिकेटर्स मिलते हैं, आने चाहिए थे यहाँ पे LED, बट कोई बात नहीं। नीचे की बात करते हैं तो प्रोजेक्टर्स में आपको इसमें येलो बल्ब में आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप की हाउसिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और स्पोर्टियर एलिमेंट्स देने की यहाँ पे कोशिश की गई है थोड़ा। ये अगेन जो लिप है इसका, इसमें आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और ये स्टिकर्स नहीं है, ओवरऑल प्लास्टिक के पूरे ऐसे बम्पर्स आए हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। उसके बाद ओवर फ्रंट प्रोफाइल बात करोगे तो मैक्सिमम चीज़ें तो स्टॉक हुंडई जो i20 आती है वैसी है, बस थोड़े थोड़े इंसर्ट्स इसमें डाले गए हैं, जिससे हाँ कि आपको डिफ्रेंसिएशन करने में थोड़ी इजीनेस हो। उसके बाद बात करें इधर पे तो अगर टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो टायर प्रोफाइल आपको आता है 195/55R16 के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और सबसे बढ़िया बात इतनी ये मिलती है कि फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है कैलिपर्स के साथ, जो कि रेड कलर में यहाँ पे फिनिश्ड है, और इसमें 4 मतलब डिस्क ब्रेक्स आती हैं। नॉर्मल जो i20 होती है, अगर वो i20 सामने देखो तो उसमें पीछे ड्रम ब्रेक आता है, बट इसमें बात करते हैं तो चारों आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन की भी फिनिशिंग यहाँ देखो मिल जाती है, कवरिंग आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल बात करते हैं साइड प्रोफाइल से गाड़ी की, तो साइड प्रोफाइल में आपको i20 मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगती है, कोई भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं दिखता है कि ओवरडन लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है दिखने में। आप कमेंट के सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कैसी लग रही है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आके, तो IRVM पे आपको यहाँ पे ओवरवीएम में आपको इंडिकेटेड यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। नीचे की बात करें तो पेडल लैंप की सुविधा भी देखने को मिल जाती है, और ओवरऑल रेड इंसर्ट्स पूरा पीछे तक गया है, जो कि बहुत अच्छा डिफ्रेंसिएशन देता है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल थोड़ा सा ऊपर की, तो यहाँ पे यूथ का मतलब बेस्ट फीचर सनरूफ भी देखने में उस कार को मिल जाता है आपको। पीछे की बात करते हैं तो आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं तो स्पॉइलर की सुविधा देखने को मिलती है, जो कि रेगुलर i20s में नहीं मिलती, बट यहाँ पे N9 में प्रोवाइड किया गया है। और ओवरऑल बाकी जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे सिल्वर हटा के यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग दे दी गई है, जिससे इस कार का जो लुक है मोर स्पोर्टियर वे में दिखे आपको। उसके बाद बात करते हैं पीछे हल्का सा आते ही, ओवरऑल पीछे के लुक की बात करते हैं, काफ़ी सटल लुक है, दिखने में अच्छा लगता है, और काफ़ी फेमस है ये कार फैन बॉयज़ की, उसमें जिसमें हुंडई पसंद है वो हुंडई ही मतलब ये पूरी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है देखने में। उसके बाद बात करें पीछे, तो यहाँ पे आपको ब्लैक यहाँ पे एकदम ग्लॉसी ब्लैक में इंसर्ट्स देखने मिल जाते हैं। रे प्रोफाइल की थोड़ा बात कर लेते हैं, तो रे प्रोफाइल में अगर हम बात करते हैं तो रे प्रोफाइल में आपको अगेन जो मेन हाईलाइट है इस कार का वो है डुअल एग्जॉस्ट, और इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, वो भी मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगा आपको क्लिप में। बात करते हैं कि अगर चीज़ें मिल जाती है तो हुंडई का बड़ा सा लोगो मिल जाता है आपको, इधर वाइपर्स मिल जाते हैं, डिफॉगर की सुविधा आपको देखने को मिल जाती है, ये कनेक्टिंग टेल लैंप आते हैं जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। इधर की बात करें तो रिवर्स पार्किंग कैम आ जाता है, और मेन हाईलाइट तो इसका ये एग्जॉस्ट है, जिसकी साउंड मैं अभी रुकी लगा रहा हूँ 3, 2, 1।
अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर आते हैं, दो ही पार्किंग सेंसर आते हैं, यहाँ पे चार आने चाहिए था, कोई बात नहीं। N9 का यहाँ पे बैजिंग आ जाता है, i20 का बैजिंग आ जाता है, ये चार पार्किंग सेंसर आने ही चाहिए वैसे कार्स में। और ओवरऑल यहाँ पे क्रोमियम की फिनिशिंग आती है, एक ह्यूमैनिटी लाइन की तरह दिखती है, जो कि बढ़िया लगती है देखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद ओवरऑल अगर आप लुक देखते हो कार का तो काफ़ी बढ़िया लगती है, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है और अच्छा लुक है। यहाँ से एग्जॉस्ट भी काफ़ी ज़रा स्पोर्टी दिखता है, तो ओवरऑल ये आप देख सकते हो। ये तो पूरी बात रही एक्सटीरियर की, अब चलिए इंटीरियर में चल के बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंटीरियर में देखने मिलता है। और ऑनलाइन की सबसे अच्छी बात बताऊँ कि यहाँ पर जो आपको स्पॉइलर मिलता है वो रेगुलर i20 से नहीं मिलता है आपको, रेगुलर i20 से बिल्कुल अलग। यहाँ पे स्पॉइलर कह रहा हूँ, यहाँ पे जो बम्पर मिलता है आपको वो रेगुलर i20 से अलग मिलता है, क्योंकि एग्जॉस्ट का प्लेसमेंट भी करना रहता है और ओवरऑल हल्का सा डिफरेंट भी बनाना होता है। या ये इनने मतलब डिस्क ब्रेक में इधर भी अगर रेड कैलिपर्स डालते तो देखने में अच्छा लगता, बट यहाँ पे इन्हें रेड कैलिपर्स का यूज़ नहीं किया है। ओवरऑल सारी चीज़ें इस गाड़ी में अच्छी दिखती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए थोड़ा बात करते हैं इंजन के बारे में। तो इट कम्स विद अ 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 120 BHP और 172 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मतलब फिगर्स हैं इस कार के हिसाब से, इस साइज़ के हिसाब से। चलिए बात करते हैं अंदर से कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। स्टार्ट करते हैं डोर से, तो डोर्स पे आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि वर्क करता है इजीली, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और अगर इसको खोलते हो आप तो ओवरऑल जो इंटीरियर है वो बहुत मेन हाईलाइट है i20 N9 का, क्योंकि ये ब्लैक और रेड उसमें फिनिश होकर रखा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ओवरऑल रेड इंसर्ट्स काफ़ी ज़्यादा आपको कार में देखने को मिल जाते हैं, हालांकि बाकी सारी चीज़ें टिपिकल हुंडई वाली हैं, बट यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलता है, रेड यहाँ पे इंसर्ट देखने को मिलता है। अंदर में आपको बहुत ही ज़्यादा रेड थीम देखने को मिल जाएंगी, स्टिचिंग रेड कलर की मिल जाएंगी, फॉक्स लेदर की सीट्स मिलती हैं, बट यहाँ पे रेसिंग इंस्पायर्ड सीट आपको देखने को मिलती है। बहुत इंस्पिरेशन लेके बनाया है N9 को और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी इसको देखने को मिलता है। चलिए अंदर चलते हैं और बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर डोर की खाली बात कर लें तो दो कलर में फिनिश होकर रखा है, रेड और ब्लैक में, हालांकि पूरा ही ब्लैक है। यहाँ बोस का इसमें साउंड सिस्टम नहीं मिल जाता है। इधर की बात करें तो बोतल होल्डर देखने को मिल जाता है और ये काफ़ी बढ़िया ग्रिप है, हालांकि ये क्लोज है बहुत अच्छा है, कई कार में ओपन रहता है तो अच्छा ही रखता है वो। तो अंदर चलते हैं कार के। चलिए गाइस, अब गाड़ी के अंदर आ गए, आपको बताते हैं गाड़ी के क्या क्या फीचर्स आपको इंटीरियर में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी का बटन, जो कि स्टार्ट स्टॉपेज यहाँ से स्टार्ट होता है, और आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट कैसे आता है। थोड़ा जूम कर लेते हैं और थोड़ा सा धूप आ रही होगी तो मुझे ऐसा एंगल ढूंढना पड़ेगा जहाँ धूप ना लगे। तो स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, एक बार और स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ इसका लेआउट आता है ओवरऑल कार का। तो ये टिपिकल हुंडई i20 में आपने देखा होगा कि ऐसा ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तुरंत एसी भी यहाँ पे ऑन हो गया तो इसको ऑफ़ कर लेते हैं, हल्का सा धूप ज़्यादा आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। फिलहाल गाड़ी को ऑफ़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टेयरिंग से गाड़ी की। स्टेयरिंग पे आपको जो कंट्रोल्स मिल जाते हैं वो आपको क्रूज़ कंट्रोल के मिल जाते हैं। इधर पूरा जो आपको कंट्रोल है वो MID का भी देखने को मिल जाता है। फिर इधर इसका इंफोटेनमेंट का, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब फिर से गाड़ी थोड़ा ऑन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है इसमें। स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो गाइस गाड़ी फिलहाल अभी स्टार्ट है, अगर थोड़ा मोड़ा AC की आवाज़ आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि AC की आवाज़ ना आए। चलिए बस स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग में आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं, इधर पूरा क्रूज़ कंट्रोल के मिल जाते हैं। ये पूरा जो कंट्रोल आपको मिलता है ये पूरा क्रूज़ कंट्रोल सेट करने को मिलता है। और आपको देखो MID में भी आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि ये बटन अगर आप प्रेस करते हो तो आप इजीली MID कंट्रोल कर सकते हो। इधर का पूरा जो कंट्रोल है वो आपको मिल जाता है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, वॉल्यूम और बात करना हो, मोड चेंज करना हो, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। करते हैं स्टेयरिंग पे, तो स्टिचिंग आपको देखने मिल जाती है रेड कलर की, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। हुंडई का बीच में लोगो आता है, हॉर्न आता है, और ये स्टेयरिंग थोड़ा सा स्पोर्टी बनाने की कोशिश की गई है। N9 का यहाँ पे बैचिंग देने की कोशिश की गई है, थोड़ा बढ़िया लगता है देखने में। उसके बाद करते हैं इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है। सबसे बढ़िया बात है कि ऑल डिजिटल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे वॉइस मूविंग टू द नेविगेशन मैप स्क्रीन, आपने देखा यहाँ पे वॉइस कंट्रोल्स भी हैं, आप बोल के भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस इसमें आप कर सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, तो काफ़ी बढ़िया देखिए स्क्रीन देखने में लगती है। अगर मैं अभी थोड़ा सा कार को चलाता हूँ तो आप देखो जो इसका टच रिस्पॉन्स है सेटअप। पहली बात तो ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरा टच स्क्रीन है, मतलब टच स्क्रीन कैसा है, ये टच है, कोई बटन नहीं है फिजिकल। यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करते हो आप, सेटअप पे फिर से चले आते हो, नेविगेशन क्लिक करते हो, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ये, तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं नीचे आके,
तो नीचे जो ओवरऑल स्टीयरिंग का वो है काफ़ी बढ़िया है, मतलब होल्ड वोल्ड स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा लगता है। बात करते हैं कंट्रोल्स का, तो एसी का फुल यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको एसी का यहाँ पे आ जाता है, जो कि बढ़िया है। मतलब यहाँ से टेम्परेचर चेक कर सकते हो, यहाँ से फैन स्पीड चेक कर सकते हो, और ओवरऑल फिजिकल बटन्स आते हैं एसी का, डिफॉगर का, फ्रंट डिफॉगर इस गाड़ी में आता है, उससे प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। उसके बाद बात करें फीचर्स की, तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का फीचर आ जाता है, 12 वॉट के सॉकेट्स और हर टाइप के सॉकेट आ जाते हैं, टाइप सी भी मिल जाता है, यूएसबी मिल जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे डिटेल देख रहे हो कि रेड इंसर्ट्स ने दे के रखा है एसी वेंट्स में, ये सब चीज़ें आप मतलब देखो कि हुंडई ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। फिलहाल थोड़ा गाड़ी ऑफ कर लेते हैं। हाँ, तो ये छोटी 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 चीज़ें हैं जो हुंडई कर रहे हैं अपनी कार्स के साथ। और ये इंटीग्रेट डिज़ाइन है एसी वेंट का, ऑल ब्लैक है, बट नई i20s में जो नॉर्मल i20 है उसमें डुअल कलर में आता है। उसका पूरा वीडियो पड़ा हुआ आप देख सकते हो चैनल पे आके। ये LED दे सकते थे, इनने LED क्यों नहीं दी मुझे नहीं पता है। ओवरऑल बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स खोलते ही आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है, आप इजीली यहाँ पे काफ़ी सामान रख सकते हो। धूप थोड़ी ज़्यादा आ रही है उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना। अगर IRVM की बात करें तो ऑटो डिमिंग आपको देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इधर की एक फ़ीचर की, तो ये फ़ीचर तो भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूज़ के लिए, जो कि है हमारा सनरूफ। सनरूफ देखने को मिल जाता है, हालांकि छोटा सनरूफ है बट सनरूफ के काम जिसको पता है उसके लिए इतना बड़ा ठीक है। सन वाइजर्स की बात करें तो आपको सन वाइजर दोनों साइड देखने को मिल जाते हैं, इस साइड वाई एंटी मिरर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल बात करते हैं गाड़ी के अंडर साइड सपोर्ट अपोर्ट का, तो देखिए अंडर साइड सपोर्ट हल्का सा मुझे लैगिंग लगा, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट का जो कुशन करता है अच्छे से करता है। हेडरूम की बात करते हैं तो हेडरूम भी आपको एडिकेट मिलता है i20 में, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मेरे हाइट के बंदे को नहीं होती। मेरी हाइट करीब 6 फीट है, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं मेन हाईलाइट की, जो इसका गियर है, बॉक्स है। गियर अगर अब लीवर की बात करते हो तो काफ़ी ज़्यादा नॉब अच्छा बना के रखा है, स्पोर्टियर नॉब है, बिल्कुल रेसिंग वाला लगता है। तो ये आप देखो, और क्लच भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है गाड़ी का, तो क्लच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गियर नॉब लगता भी इजीली है। बहुत ही जल्द मैं इसका मतलब ये कार जैसे ही रेडी हो जाएगी रोड के लिए, तो बहुत ही जल्द इसका जो है ड्राइव रिव्यू भी आने वाला है। और अभी पूरा एक्सपेक्ट्स की बात कर लेते हैं। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है इसमें, जिस जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कोई प्रोसेस प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्मूथ है हुंडई की तरफ से। और इस कार में जो सस्पेंशन है वो भी स्पोर्टियर आते हैं, कि आप पोलो से मतलब आप करीब करीब कह सकते हो कि उसी के आसपास के ड्राइविंग डायनेमिक्स गाड़ी में आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि उतना प्रिसाइज नहीं मिलता है, बट हाँ आप कह सकते हो कि स्पोर्टियर देखने को मिलता है। स्टोरेज स्पेस की बात कर लेते हैं कार में, तो यहाँ पर 2 कप होल्डर्स आ जाता है, हैंड ब्रेक आती है, यहाँ थोड़ा मोड़ा सामान रख सकते हो आप। सीट्स की अगर बात करें तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी में स्पोर्टियर देने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए रेसिंग एलिमेंट्स भी देने की कोशिश किए गए हैं, हालांकि है तो ये मतलब फॉक्स लेदर ही, बट लेदर टच देने की कोशिश की गई है। और ये जो रेसिंग इंस्पायर्ड डिकल्स हैं और स्टिकर्स हैं और मतलब नकाशी की गई है, बढ़िया लगता है। स्टिचिंग भी आपको रेड कलर में देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये था पूरा i20 N-Line का इंटीरियर, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और इधर की बात करें तो ओवरऑल ORVM के यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, सारे कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये था i20 N-Line का क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है। चलिए पीछे चलते हैं, अगर ये पीछे मिलती हैं उसकी बात पूरा करते हैं इस वीडियो में। चलिए इस पीछे की बात कर लेते हैं। तो पीछे पहली बात तो आपको बताते हैं कि रियर एसी वेंट्स मिलता है, अगेन रेड इंसर्ट्स आपको देखने में इस कार में मिल जाते हैं, जो कि छोटी छोटी हाईलाइट्स हैं, बट हुंडई ने अटेंशन डिटेल दिया है। यहाँ पे आर्मरेस देखने को आपको मिल जाता है, और ये सीट मेरे ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से थी, और इसमें आपको अच्छा खासा तो नहीं बट थोड़ा मोड़ा आपको लेगरूम देखने मिल जाता है। i20s उतना फेमस नहीं है स्पेस के लिए, बट हाँ आपको ठीक ठाक स्पेस देखने को मिल जाता है। ये आपका फ्रंट लुकआउट आता है जब पीछे से आप देखते हो, तो ये पूरा जो ब्लैक इंसर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वो अच्छे लगते हैं, और रेड इंसर्ट्स भी उसमें बढ़िया लगते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए बात करें तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो डोर पे आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और बात करते हैं यहाँ पे तो आपको मतलब थोड़ा मोड़ा सामान रख सकते हो आप। यहाँ पे विंडोज़ पावर विंडोज़ खोलने के ऑप्शन मिल जाते हैं, अगेन बोस का इसमें अच्छा खासा सिस्टम मिल जाता है म्यूज़िक का, तो प्रॉब्लम में सच नहीं होने वाला है। उसके बाद अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो तो रेस इंस्पायर्ड यहाँ पे फॉक्स लेदर अगेन यूज़ हुआ है, देखने में बढ़िया लगता है। हेडरेस इसमें काफ़ी बढ़िया बड़े दबड़े से दो के देख रख रखें, बीच वाले पैसेंजर को हेडरेस नहीं मिलता है, कोई भी आर्मरेस की सुविधा देखने को नहीं मिलती है। इधर पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल जाता है, और ओवरऑल पूरा ब्लैक रूफ भी इसमें ब्लैक कलर की आती है, जिससे पूरा सा स्पोर्टी ऐसे एलिमेंट्स अंदर बने रहें। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं i20 N-Line में। और ओवरऑल बात करते हैं मेरे कम्फर्ट की, तो हेडरूम सफिशियंट है, मोर सफिशियंट है, और पीछे अगर आप बैठते हो तो अच्छा का सपोर्ट भी है, आप बढ़िया से 200-300 किलोमीटर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल ये था हुंडई
i20N लाइन का वीडियो जो 2023 मॉडल का है। वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन जरूर दबाएं, और मतलब बिल्कुल से भूलें सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत जरूरी होता है सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप वीडियो यहां तक देख लिए हो तो कमेंट भी थोड़ा सा कर देना ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन अंदर मिल जाए, तो और वीडियोज बनाने की हमको ताकत मिले कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, लोग को अच्छा लग रहा है। तो बस यही था वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।